चौबीस लेन है 3-10 की, और अभी मैं आनंद विहार रेलवे अभी मैं आनंद विहार बस अड्डे पे हूँ और 3-10 की मेरी ट्रेन है। अब भाई मैं कंटिन्यू भाग रहा हूँ, रुकूंगा नहीं भाई। 10 तो हो गई है, पता नहीं 2 से 2 मिनट लेट हो गया ट्रेन ना, वो निकल गए, रुकेगी तो चढ़ जाऊँ, रुक गई भाई, निकल गई यार, रोक ले, रुक गई, चंदन भाई ने सारी चैन कह दी थी तुझे ट्रेन लेट करवा दी। तो भाई दोस्तों मैं ट्रेन में चढ़ गया हूँ, चंदन भैया को ले गया यार भी पता नहीं कहाँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उनका सामान देखता हूँ, अलीगढ़ उतर जाऊंगा मैं, ठीक है। हेलो दोस्तों भाई, वापस से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। भाई मेरे पीछे अमृत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि भाई आनंद विहार से दरभंगा जाती है और अयोध्या पहुंच जाती है रात को 1 बजे। और हाँ, जो लोग वंदे भारत में ट्रेवल नहीं कर सकते स्पेशली उनके लिए ट्रेन बनाई गई है अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि भाई किराया इसका बहुत सस्ता है। हमारे साथ कुछ पता भाई ऐसा हुआ जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने भाई पता क्या भाग के ट्रेन पकड़ी है, ये दिल्ली ट्रेन है 3-10 की, और अभी मैं आनंद विहार रेलवे अभी मैं आनंद विहार बस अड्डे पे हूँ और 3-10 की मेरी ट्रेन है। अब भाई मैं कंटिन्यू भाग रहा हूँ, रुकूंगा नहीं, ट्रेन पकड़ के रहूँगा भाई। रेलवे स्टेशन का कहाँ है रास्ता है जी, दूर है क्या यहाँ से, कितनी देखेंगे, चलो क्या भाई 3 मिनट रह गए, पैर भर गए, भागो, चलो मिलेगी तो बताऊंगा भाई। 10 तो हो गई है, पता नहीं भैया 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 दोस्त 2 मिनट लेट हो गया ट्रेन ना, वो निकल गए, रुकेगी तो चढ़ जाऊ, रुक गई भाई, निकल गई यार, रोक ले, अरे रुक गई सर, रुक गई सर, रुक गई चंदन भाई को, चंदन भाई ने सारी चैन कह दी थी तुझे ट्रेन लेट करवा दी। तो भाई दोस्तों मैं ट्रेन में चढ़ गया हूँ, चंदन भैया को ले गया यार भी पता नहीं कहाँ, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे उनका सामान देखता हूँ, अलीगढ़ उतर जाऊँगा मैं भी, क्या चलो। ये भाई अभी जनरल क्लास है श्रीधर की, टंटा टंटा भाई मैं X6 में जा रहा हूँ सामान देखने के लिए। भाई चंदन भाई का सामान कहाँ पे रखा हुआ है, अच्छी देर लग रही है, नई ट्रेन है बिल्कुल, देखो। तो भाई जी अभी कोई सा स्टेशन आया, कौन सा स्टेशन आया भाई, ये इटावा। तो भाई इटावा स्टेशन आ गया है और ट्रेन तो भाई रात में पता नहीं कैसी दिख रही है, पर कुछ ऐसी लगती है ट्रेन भाई, इसमें ना सब कुछ ये है ना, मतलब कि बिल्कुल एक टेम्पलेट की तरह लगा हुआ है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी है पूरा, वैसा नहीं लिखने वाला नहीं है, तो ऐसा ही है भाई। और हमारे चंदन भाई अभी दिल्ली ही हैं और दिल्ली में अभी आएंगे, कश्यप ट्रेन है उससे आएंगे, वहाँ भी उनकी व्यवस्था हो गई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तुम्हें उनके बैग दिखा देता हूँ, जाके बैग कहाँ पे रखे हैं, मैं अपना बैग और चंदन भाई, भाई चंदन भाई का बैग ये रखा, चंदन भैया दिल्ली में और मेरा ये रहा, ये छोटू हाय बोल दो, चलो हाय हाय तो बोल दो एक बार, अच्छे से तो चलो हाय से हाय तो करो, चलो नाम बता दो, नाम बता दो, बता दो नाम तो बता दो भाई, चलो तुम बताओ अपना नाम, हाँ नाम बताओ अपना, अब्दुल हादी, अब्दुल हादी, हादी भाई यही है मेरे सीट के पास में, और उधर वो चंद्र भाई का बैग, ये मेरा बैग और यहाँ। तो भाई अपनी ट्रेन आ गई भाई समय से पहले लखनऊ, वो भी आधा घंटा पहले आ गई है, देख लो भाई पूरे समय से पहले चल रही है ट्रेन, रशी है, मजा आ रहा है पूरा, अभी तो मैं सब्जी लेने आया हूँ भाई, तो सब्जी ले, अच्छा भाई ट्रेन निकल गई अपने समय से पहले, और भाई मेरे सामने ना बिल्कुल देखो वंदे भारत जा रही है और ये अपनी अमृत भारत है, मस्त अपना समय से पहले चल रही है भाई, धड़ाके से।
जारी भाई अमृत भारत। और मैं तुम्हें भाई इसके वॉशरूम दिखाऊँ ना, ये देखो। तो इस तरफ आपको मिल जाती है वेस्टर्न स्टाइल और इस तरफ आपको मिल जाती है इंडियन स्टाइल। तो आपको क्या करना है, इस दरवाजे को जो डबल दरवाजा है इसको जो है ऐसे पुल करना है और ये ऐसे खुल जाएगी। तो ये देख लो ऐसा है कुछ, ये देख लो आप, फ्लश भी दिया हुआ है, मग भी दिया हुआ है। जिसको इससे परेशानी होती है इससे खासकर, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी आप लोग जाते हैं इसे पकड़ के आराम से बैठ सकते हैं आप। इधर भी पकड़ने वाला है और वही है, यहाँ पे सॉप है, नल है, नल को वहाँ दबाना है, बस वही सब है। इधर मोबाइल आप आराम से रख सकते हो, टांग सकते हो कपड़े, और इधर भी टांगने का है, एकदम प्रॉपर है भाई साहब। फ्रेशनर भी लगा हुआ है। तो भाई साहब आप लोग प्लीज इसको गंदा मत कीजिए और जाइए तो प्लस मार के आइए। तो भाई ये हो गया इसका जनरल कंपार्टमेंट, कुछ ऐसा दिखता है, भयंकर दिखता है, क्या ही बताएं। बस लोगों का जो है ना सफाई रखना चाहिए, क्योंकि सरकार तो अच्छी ट्रेन बना के देती है लेकिन हम लोग गंदा करके रख देते हैं। फिलहाल देखो कुछ गंदा हुआ है तो सफाई हो जाएगा। तो इसका बेसिन जो है ऐसा है और थोड़ा सा गंदा है, किसी ने कर दिया है मतलब वही। और ये जो देख लो ना ये है सॉप वाला, इसे दबाओगे आप तो यहाँ से सॉप निकलेगी। अभी तो नहीं निकल रही लेकिन निकलेगी यहाँ से जब दबाओगे तो। और नल के लिए जो है ना निकली है, और नल के लिए जो आपको नीचे दिया हुआ है पैसे दबाना पड़ेगा। तो इसको ऐसे दबाओ, देखो यहाँ पानी आ रहा है ना, तो यहाँ से ऐसे दबाने से ऊपर पानी आएगा। तो आप इसे ढूंढना मत कि कहीं पे इसका जो नल है वो कहाँ है, वो सब मत ढूंढना, सीधे नीचे देख लो वो दबा देना आप। तो इधर देख रहे हो डिस्प्ले लगा हुआ है और डिस्प्ले में सो रहा है वेलकम टू इंडियन रेलवे और D2 जिस पर लगा हुआ प्लेटफॉर्म भी दिखा रहा है इसमें, और कितने किलोमीटर चलती है वो भी दिखाएगा, कौन सी स्टेशन आने वाली है वो सब भी इसमें डिस्प्ले में शो होगा। तो जनरल कंपार्टमेंट वाला जो इंजॉय लेंगे आराम से। और इधर जो है सीट, जो पहले इसमें सीट नहीं होता था इसमें भी सीट अब कवर कर दे दिया गया है, तो आराम से इसमें भी बैठ सकते हैं आराम से। बाकी कैमरा भी लगा हुआ है। पहले यहाँ से आते थे तो यहाँ पर जो है अंदर का दिखाई देता, लेकिन अब जो है इस कवर कर दिया गया, देख रहे हो ना। तो अब जो है ऑकवर्ड से नहीं लगता है, जैसे वंदे भारत में थी वैसे ही दिया गया है इसमें। तो भाई दोस्तों फाइनली रीच्ड अयोध्या, अभी जरा समय हो गया है ज़्यादा, तो अभी हम यहीं पर अपना टेंट लगाएंगे। और भाई देख लो अयोध्या जंक्शन ये ना, और हम यहीं पर अभी अपना टेंट लगा के अपना रात को स्टे करेंगे। तो भाई दोस्तों फाइनली हमारा टेंट भाई लग गया है, अब हम यहाँ पे आराम से अपना सो जाएंगे और सुबह उठेंगे भाई, और फिर तुम्हें आराम से अयोध्या हम घुमाएंगे। तो चलो भाई अब तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, चलो भाई अपना सामान वामान रख लेते हैं और अपना फर्स्ट क्लास सोना है भाई, पूरी रात हो गई नींद थोड़ी ना आई। चलो ये हो जाए अपना टेंट। तो भाई अभी मैं टेंट में से उठा और मैं जा रहा हूँ करने के लिए। तो भाई क्या सीन बन गया है पूरे उसमें भाई, फोग 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 फोग, और यहाँ पर ही अपना टेंट लग रहा है। तो भाई सब में ना पूरा फोग फोग हो गया, अब मैं जा रहा हूँ यार देखने की कहीं पर व्यवस्था बन जाए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक एक कमेंट एक सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, और जय श्री राम लिख दो भाई कमेंट में, बहुत सारा प्यार बढ़ दो। तो चलो भाई हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।